नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है पीटीटी से रिलेटेड। ठीक है, अभी देखो ये आरपी ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान पत्रिका ब्रेकिंग न्यूज जो ट्विटर हैंडल है उस पर आया है। देखो 4:03 पर 1 मई 2021 आज का ट्वीट है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में पीटीटी प्रवेश परीक्षा स्थगित, कोविड के कारण स्थगित की गई परीक्षा। 16 मई को होने वाली थी प्रवेश परीक्षा, तो जो पीटीटी की प्रवेश परीक्षा है वो अभी स्थगित कर दी गई है। और बात है कि अब कब इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये सब कोविड पर निर्भर करता है। कोरोना महामारी अगर थोड़ी कम होता है इसका रूप, तो एग्जाम जल्दी करवा दिए जाएंगे, वरना पिछले साल की तरह लेट भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जितना लेट होगा उतना कट ऑफ बढ़ने के चांस रहेंगे, तो आप तैयारी थोड़ी ज़्यादा ढंग से करें। ठीक है, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख सकते हो कि प्रदेश में पीटीटी प्रवेश परीक्षा स्थगित, कोविड के कारण स्थगित की गई परीक्षा। 16 मई को होने वाली थी प्रवेश परीक्षा, नई डेट आपको क्या है जो कोविड कम होने के बाद में आपको कंफर्म कर दी जाएगी। अभी कोई नई डेट नहीं दी गई है, और अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि 16 मई को एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, और जो ऑफिशियल साइट है उस पर अभी नोटिस अपलोड नहीं किया गया, वो भी जल्द कर दिया जाएगा। ये राजस्थान पत्रिका की ब्रेकिंग न्यूज है। ठीक है, प्रदेश में पीटीटी प्रवेश परीक्षा स्थगित, कोविड के कारण स्थगित की गई परीक्षा। 16 मई को होने वाली थी परीक्षा, तो अब आगे क्या एग्जाम कब होंगे कैसे होंगे वो आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। तो अगर आपको पीटीटी के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बने रहें जीवा स्टडी के साथ।